एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल छोटीगढ़ डीपीसी की कक्षा में। आज की क्लास में हम चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में बात करेंगे। एक्सपोनेंट और पावर क्या होती है, क्लास 7 में भी अपन ने इस टॉपिक के बारे में चर्चा की कि जैसे कोई नंबर है 5 है, मान लो 5 है, उसको इटसेल्फ में अपन एडिशन कर दें 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म मैथमेटिकल में 5 × 6 = 30। वैसे अगर 5 मल्टीप्लीकेशन के रूप में हो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि 5 कितने टाइम इटसेल्फ से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो अपन ऐसे लिखेंगे 5 की पावर 6। राइट हैंड साइड में ऊपर की साइड इसको पावर के रूप में लिखेंगे जिसे हम एक्सपोनेंट, और इसको बोलेंगे बेस। ये एक्सपोनेंट होगा और ये बेस होगा 5 की पावर 6। इसको अपन कई तरीकों से पढ़ सकते हैं, 5 raised to power 6 या 6th power of 5 या 5 की पावर 6, ये पावर। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हम देखेंगे कि अगर बेस है वो पॉजिटिव है तो क्या वैल्यू बनती है और नेगेटिव है तो क्या वैल्यू बनती है। तो अगर बेस पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर बेस नेगेटिव है जैसे -5 × -5 × -5 × -5, तो इसमें अपन -5 की पावर 4 लिखेंगे क्योंकि तो आज ही पावर है वो 4 है, 4 टाइम ये रिपीट हो रहा है। तो जो ये पावर है अगर ये ओड है या इवन है उस पे डिपेंड करेगा कि इसका जो लास्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा। इफ द पावर इज इवन देन द रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर पावर इवन है, इवन नंबर है जैसे 2 4 6 8 के टेबल के रूप में है तो वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगी आपको, क्योंकि हर बार जो पेयर बनेंगे 2 के वो माइनस के 2 2 पेयर बनेंगे तो वो पॉजिटिव साइन बना देंगे। इफ द पावर इज ऑड नंबर देन द रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। जैसे -5 × -5 × -5 × -5 × -5 × -5 तो माइनस माइनस प्लस यहां से प्लस बना, माइनस माइनस प्लस यहां से प्लस बना, प्लस 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 और ये प्लस और लास्ट माइनस मिलके वापस क्या बन जाएगा माइनस, यानी आप कह सकते हो कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस वापस जो लास्ट वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी माइनस की। यानी अगर पॉजिटिव इंटीजर है उसकी पावर कुछ भी होगी तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर नेगेटिव इंटीजर है तो उसकी पावर अगर ओड है तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा, और इवन है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसके बाद में कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो आपको आने चाहिए। जैसे इफ द बेस आर सेम नंबर, अगर बेस सेम है जैसे ए की पावर एम लिख दी मैंने और बी की पावर ए की पावर एन, अगर दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों का बेस सेम है, तो उस कंडीशन में जो पावर होगी वो एडिशन के रूप में लिखी जाएगी, यानी ए की पावर हो जाएगी एम प्लस एन। जैसे 2 की पावर 4 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर
पावर 7, ठीक है। फर्स्ट रूल ये है। सेकंड रूल में आप ऐसे याद रखो कि अगर बेस सेम नहीं है, केवल और केवल पावर सेम है, जैसे मान लो बेस हो गया a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, अब की बात बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट डिफरेंट है और एक्सपोनेंट जो पावर है वो है सेम है, तो आप इसको a मल्टीप्लाई b करके कॉमन पावर m लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो यहां देखो पावर है वो सेम है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 6 और उसकी पावर देगी 3, तो इन दोनों की वैल्यू होगी वो भी आपस में बराबर होगी। नोट डाउन साथ साथ में करना है आपको, वीडियो के साथ में देख के नोट डाउन कर लेना है इसको। इसके बाद में थर्ड है a की पावर m और डिवाइडेशन में डिनोमिनेटर में a की पावर n है, दोनों में बेस सेम है पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि m बड़ा है या n। इमेजिन करो कि यदि m है वो n से लार्ज है, m है वो n से क्या है बड़ा, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n, जो लोवेस्ट पावर होती है वो ऊपर चली जाएगी, जहां अगर न्यूमिनेटर में पावर ज्यादा होगी तो वहां चली जाएगी, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा होगी तो वो वहां चली जाएगी, तो हमेशा जो स्मॉल पावर होती है वो लार्ज पावर के पास चली जाती है और माइनस के साइन के साथ में। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे देखें और कंडीशन क्या है एम स्मॉल है से, तो उस कंडीशन में हो जाएगा 1/, ये नीचे आ जाएगा ए की पावर एन माइनस एम हो जाएगी दोनों कंडीशन। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, जैसे मान लो कोई भी ए की पावर एम है तो उसको आप 1/ ए की पावर माइनस एम लिख सकते हो, वो नीचे जाएगी पावर तो माइनस हो जाएगी क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब ए की पावर जीरो, और किसी भी इंटीजर्स की पावर अगर जीरो है इसका मतलब उसकी वैल्यू वन है, इसका मतलब आपको ये भी याद रखना है कि कोई भी नंबर की अगर पावर जीरो है तो उसका मान क्या होता है ऑलवेज वन, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, ये सारे, बट 0 की पावर 0 ये अनिर्धारित है, इसका डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हो आप, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते 0 की पावर 0 को, तो 1 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको ये ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 4 / 5 की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो लार्ज पावर ऊपर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो 5 की पावर हो जाएगी 4 - 3 = 5 की पावर 1, और अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता मान लो 5 की पावर 2 / 5 की पावर 7, नीचे लार्ज पावर होती उस कंडीशन में ऊपर वाली पावर नीचे आ जाएगी 1/5 की पावर 7 - 2, यानी 5 की पावर हो जाएगी 1/5 की पावर 5, तो ये इसका यूज हो जाएगा। इसके बाद में आपको थर्ड रूल क्या है ध्यान में रखना है, जैसे मान लो a रेस्ट टू पावर m और a की पावर m रेस्ट टू पावर n, पावर की पावर, जैसे a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये दोनों पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी a की पावर m मल्टीप्लाई n, जैसे 2 की पावर 3 है इसकी पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 2 की पावर 12, ये 2 की पावर 12, ये तो था अपने 7th क्लास तक का नॉलेज, उसके बाद में अपन बात करेंगे 8th क्लास की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 8th क्लास की कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, अगर जो एक्सपोनेंट दे रखा है अपने को पावर वो नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव का तो अपन ने पहले पढ़ लिया है, नेगेटिव में आ जाती है तो क्या करना होता है, जैसे 5 की पावर -4 इक्वेशन आ गया, बेस 5 है पॉजिटिव है और पावर है वो नेगेटिव आ गई, इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि इसको अगर फुल फॉर्म में अगर विस्तार से लिखे तो ये जैसे 5 की पावर -4 है तो इसको आप पॉजिटिव कंडीशन में लिख सकते हैं, जैसे a की पावर माइनस एम थी तो इसको हमने क्या लिखा था 1/a की पावर m, इस फॉर्मेट में लिखा था,
तो हम इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 की पावर 4। इसका मतलब 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसकी वैल्यू जो भी मल्टीप्लीकेशन के बाद में आएगी वो मिलेगी 625। तो 1 अपॉन 625 इसकी वैल्यू हो जाएगी। वन थिंग कि पावर आर नेगेटिव, पावर अगर नेगेटिव भी है तो जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आए जरूरी नहीं है, वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। किसी भी वैल्यू का नेगेटिव और पॉजिटिव होना एक्सपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता, वो बेस पे डिपेंड करता है, बेस एंड पावर। अगर बेस नेगेटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि उसकी पावर है वो क्या है, पावर पॉजिटिव ओड है या इवन है। अगर पावर ओड है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और पावर अगर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सर कंडीशन आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब इसमें भी वो सारे रूल लागू होंगे जो उनमें लागू होते थे, जैसे मान लो ए की पावर माइनस एम है मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस एन है, तो यहां भी क्या होगा, इनका एडिशन हो जाएगा, ए की पावर माइनस एम प्लस माइनस एन ये हो जाएगा। तो ए की पावर माइनस एम माइनस एन, तो लास्ट में वैल्यू बनेगी ए वन अपॉन ए की पावर एम प्लस एन। तो ये फर्स्ट रूल इसका हो गया। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है 3 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 5, तो इसको हम शॉर्ट आउट कैसे करेंगे कि ये हो गया ए 3, इसकी पावर जो होगी वो एडिशन के रूप में लिखी जाएगी, माइनस 3 या माइनस 4 प्लस माइनस 5, इनको आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 3 की पावर माइनस 9। और इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, इजी मेथड में लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 3 की पावर 9, ये इसका वैल्यू बन जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ए है 2 की पावर माइनस 5, बी है 3 की पावर माइनस 2, सी है 10 की पावर माइनस 7। इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल आपको निकालने हैं। फर्स्ट सॉल्व करेंगे इनको, जैसे इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 2 की पावर 5, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। और आपको पता है कोई भी रैशनल नंबर का जब हम रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को स्विच करना पड़ता है, जो नीचे होता है उसको ऊपर भेजना है, ऊपर होता है उसको नीचे भेजना है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा, इसको ऑपोजिट मेथड में लिख दो, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको ऊपर भेज देंगे, जो न्यूमरेटर है उसको नीचे भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जो जिस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या रेसिप्रोकल है उनका मल्टीप्लाई करने पर हमेशा अपने को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है, वन मिलता है। यानी जब आप 1 अपॉन 2 की पावर 5 को ओनली 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्रॉस होकर क्या बन जाएगा, 1, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी प्रकार एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो जीरो होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो वन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 2 1 बाई 3 की पावर 2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 और इसका 1 अपॉन 3 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 10 की पावर 5 माइनस 7, इसका
टेन वन अपॉन टेन की पावर सेवन पावर नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा टेन की पावर सेवन। अगर वन अपॉन नाइन की पावर माइनस थ्री है, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो आप क्या करोगे इसको ऊपर लाओगे, नाइन की पावर थ्री हो जाएगी और इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन नाइन की पावर थ्री, नाइन की पावर थ्री से नाइन की पावर थ्री कैंसिल, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इस हिसाब से अपन कोई भी इंटीजर है जिसकी पावर माइनस से नेगेटिव पावर है उसका अपन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं।